हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं ये बेसन का सब्जी, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। तो चलिए इसके बनाने के तरफ चलते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम के करीब बेसन लिया है, और अब इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा अजवाइन दोनों हाथों के बीच मसल के। इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है अजवाइन का। और इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा आप इसमें टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। और इसको आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि कोई लम्स ना रहे बेसन में। इसका पेस्ट ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं, क्योंकि इसको हम लोग को फिर से कढ़ाई में तलना है इसीलिए। तो देखिए, इस तरह का मुझे बैटर चाहिए। चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म कर लिया है। याद रहे, यहाँ पे फ्लेम एकदम मीडियम रखे। इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिए हैं, और अब इसमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दें। और इसके बाद इसमें जो अभी बनाए हैं बेसन का, वो इसमें अभी डाल देंगे। इस तरीके से इसको पूरी अच्छी तरीके से डाल के इसको कढ़ाई को पकड़ के इस तरह मिलाएं, क्योंकि बहुत चिपकने लगता है बेसन कढ़ाई में। इस तरीके से इसको अच्छी तरह से जो पूरी तरीके से ये पक जाता है, ये करीब 1 से 1.5 मिनट में ही हो जाता है। इसको एक प्लेट में निकाल दें और इस तरह से फैला के इसको रख के करीब 10 मिनट के लिए इसको ऐसी तरह छोड़ दे। जब ठंडा हो जाता है तब इसको एक नाइफ़ के मदद से इसको पीसेस में कट कर लेंगे। आप अपने मन पसंद पीसेस इसमें को कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो देखिए, ये जैसे टूट जाता है ना, तो इसको इस तरीके से लेके हाथ के तरह, लड्डू की तरह इस तरह बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से अब यहाँ पे तेल गरम हो चुका था, याद रहे आपको यहाँ भी गैस का फ्लेम मीडियम ही होना चाहिए। और इस तरह के से पूरे जो बेसन की कतली है उसमें डाल के पूरे को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए, इसमें सारा मैंने जो बेसन का कतली है डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा दोनों तरफ से पकाना है, इस तरीके से उलट पुलट करते रहे इधर। और देखिए, अब ये करीब 4 से 5 मिनट हुआ है, अब ये पूरा बेसन पक चुका है, पूरा फ्राई हो चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है। तब मैं इसको एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। तो चलिए, अब इसके ग्रेवी में क्या क्या लगेगा इसके तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर ले लिया है, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का पीस, और इसमें 15 से 20 लहसुन के कलियाँ। इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में इस तरीके से। देखिए, ये ग्राइंड हो गया है। अब यहाँ पे एक कढ़ाई को गरम कर लेंगे, देखिए, और इसमें अब थोड़ा सा तेल डाल देंगे। देखिए, ये तेल डाल दिए हैं। अब इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च जो आता है खड़ा वाला, वो इसको डालेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने 3 लाल मिर्च को डाल दिया है। अब 1 तेज़ पत्ता को डाल दूँगी, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा जाएगा जीरा, और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हींग। आपको अगर नहीं पसंद है हींग तो आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हो। और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई होने दे जीरा को। और इसके बाद इसमें मैं यहाँ पे 3 बड़ी प्याज को चॉप करके रखा था पूरा इस तरीके से कट करके। आप इसको इसमें डाल दें और इस तरीके से मिला के इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पकने देंगे। देखिए, करीब 3 मिनट हुआ है, अब ये पूरी तरीके से पक चुका है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन भी हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसमें ये ट्रिक है सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि इसका गाढ़ापन आ जाता है प्याज का, तो ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है गाढ़ा। देखिए इस तरीके से,
और इसके बाद जो अभी पेस्ट बनाए थे टोमेटो अदरक लहसुन वगैरह का, तो इसमें अभी इसमें डाल देंगे इस तरीके से डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें सारा मसाला को डालेंगे। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसके बाद थोड़ा सा डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। हल्दी पाउडर के डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर डाल दिया है थोड़ा सा, इसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नमक डाल सकते हो टेस्ट के अनुसार आप पूरी सब्ज़ी के लिए, बट मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, मैं लास्ट में डालूँगी नमक। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट एकदम इसको जो मसाला है इसको भूने हैं, तो इस तरीके का हो गया है, मतलब पूरे मसाला एकदम पक चुका है, तेल निकलने लगा है इस तरीके से। तो अब यहाँ पे मैं पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला ले रही हूँ मसाला को, हल्का हल्का पानी डाल के। देखिए ये पूरा मसाला रेडी है। तब यहाँ पे मैं जितना ग्रेवी में पानी चाहिए आपको, अगर आप रोटी के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा कम डालिए, अगर आप चावल के लिए बना रहे हो तो आप अपने मनपसंद मन के अनुसार नहीं होता है इतना पानी डालिए। मैं यहाँ चावल के लिए बना रही हूँ तो इस तरीके का मैं डाला है। इसको अब मीडियम फ्लेम पे इसको खोलने देंगे। देखिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट हुआ है ये खोलने लगा है, और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे खोलने देंगे। तो इसके बाद 3 से 4 मिनट हो गया, इसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है गरम मसाला। देखिए ये गरम मसाला भी पक चुका है। अब यहाँ पे जो बेसन का कतली तल के रखे हुए थे अब इसको ग्रेवी में डाल दिए हैं। याद रहे बेसन का जो कतली है इसको ग्रेवी में डाल के ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो वो टूटने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती है हरी पत्ती उसको डाल दिए हैं। इसमें आप हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं, देखिए आप जितना ग्रेवी है उसके अनुसार इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें, इसको अच्छी तरह मिक्स के और यहीं पर गैस ऑफ कर दें। देखिए यहाँ पे गैस ऑफ हो चुका है, तो कितना एकदम कलर भी अच्छा आया है सब्ज़ी का, बहुत ही देखने में ही बहुत टेस्टी लग रहा है। तो इसको एक सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा गर्मा गर्म बना है। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी। अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।